क्या बफेट इंडिकेटर 200 परसेंट टच करेगा यह कंसेंसस मार्केट में बनता हुआ नजर आ रहा है तो क्या है यह मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो क्या है यूएस का मार्केट कैप टू जीडीपी जीडीपी रेशो क्या है इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो क्या है हमारा एवरेज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो इन सब चीजों के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं और मोदी जी ने जो टारगेट दिया था इकोनॉमी को फाइव ट्रिलियन डॉलर का क्या इकोनॉमी पहले वो टारगेट कंप्लीट करेगा या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन वो पहले टारगेट कंप्लीट करेगा इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों सो बफेट इंडिकेटर यानी कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो मार्केट कैप क्या होता है जो जो कंपनीज लिस्टेड है उन कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन और उसका कंपैरिजन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है अपना उसके साथ करना चाहिए अगर यह पर्टिकुलर इंडिकेटर 100% परसेंट से ज्यादा होता है तो वॉरेन बफेट कहते थे कि भाई मार्केट ओवर वैल्यूड है अगर यह 100% परसेंट के नीचे है तो अंडर वैल्यूड है एंड 100% परसेंट है तो फेयरली वैल्यूड है यह पर्टिकुलर इंडिकेटर यूएस मार्केट रिलेटेड चीजों के लिए उन्होंने बोला था अब बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है तो ये जो चीजें चेंज हो चुकी है इसीलिए ये जो इंडिकेटर है उसका हिस्टोरिकल लेवल के एवरेजेस देखना कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में भी यहां पे आज डिस्कशन हमने करना चाहिए सो करंट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो है इंडिया का वो अराउंड हंड्रेड एंड फाइव टू हंड्रेड एंड टेन परसेंट के बीच में है विच इज मच मच हायर कंपेयर टू आवर लॉन्ग टर्म एवरेजेस अगर लास्ट दस साल का एवरेज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हम देखते हैं सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज अराउंड सेवेंटी नाइन परसेंट सो कंपेयर टू सेवेंटी नाइन परसेंट इट इज अप बाय क्लोज टू थर्टी टू फोर्टी परसेंट सो so डेफिनेटली अगर ट्रेडिशनल नंबर्स हम देखेंगे ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल नंबर्स अगर हम देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में मार्केट यहां पे ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है अगर यही मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हम यूएस का देखते हैं सो दैट हैज पास्ट 200 परसेंट और वही बातें इंडिया में होती हुई नजर आ रही है अगर ताइवान के मार्केट की बात हम करेंगे सो मार्केट कैप टू जी रेशियो जो है ताइवान का वो थ्री है और इंडिया का इट इज जस्ट क्रॉस्ड हंड्रेड एंड हंड्रेड परसेंट हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड टेन परसेंट जब 2007 8 का यूफोरिया मार्केट में था तब जैन 2008 में जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो रेशो हुआ था इंडिया का दैट वाज अराउंड 160 परसेंट तो उन लेवल से भी हम काफी दूर है सो so वो यूफोरिया था विथ राइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी वो यूफोरिया आया था This time, जो मार्केट की रैली हुई है वो अंडर एक्सपेक्टेशन हुई है नॉट्टर लुकिंग एट द रिजल्ट हो सकता है कि अगर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और रिजल्ट अच्छे रहते हैं एक दो सालों में सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज क्वाइट अचीवेबल आई विल नॉट डाउट दैट अब इसके पीछे मार्केट कैप टू जी डी पी रेशो बढ़ने के पीछे एक और रीजन है और वह है जो न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस है वो यहां पर

जोमेटो की बात हम करेंगे तो अराउंड एट टू टेन बिलियन डॉलर का वो वैल्यूएशन है। इग्नोर वन मोर आईपीओ व्हिच इज गोइंग टू कम इन एफ वाई ट्वेंटी टू और वो टोटल आईपीओ इंक्लूडिंग अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्लूडिंग आईपीओ की साइज हम देखते हैं वो कंपनी है एल और वो हो सकता है 200 बिलियन डॉलर प्लस लिस्ट हो सकती है 200 बिलियन डॉलर प्लस के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ वो कंपनी लिस्ट हो सकती है सो so, मोदी जी ने एक टारगेट दिया था 2024 25 में जीडीपी को 5 ट्रिलियन डॉलर एज टच करवाना है बट मुझे लगता है मार्केट कैप ने वो बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है एंड दैट्स वॉट वी एक्सपेक्ट कि आने वाले कुछ सालों में, में ही Uh, इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो फाइव ट्रिलियन डॉलर टच कर सकता है अब इसमें जरूरी यह नहीं है कि आपका जो सेंसेक्स है वो पचास हजार से एक लाख हो और आपका जो निफ्टी है वो पंद्रह हजार से तीस हजार हो फॉर टचिंग दैट फाइव ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर 200 परसेंट ऑफ मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो वो पर्टिकुलर जो लेवल है टारगेट है मार्केट कैपिटलाइजेशन का वो बहुत सारी जो कंपनीज है वो अनलिस्टेड है वो आने वाले समय में लिस्ट हो सकती है और उस वजह से मार्केट कैप 200 परसेंट भी क्रॉस हो सकता है मार्केट कैप टू जीडीपी 200 परसेंट भी यहां पे क्रॉस हो सकता है सो so, इसीलिए अगर ट्रेडिशनल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो के नंबर पर ही हम डिपेंड करेंगे सो दैट विल नॉट बी राइट आई एम नॉट से एकदम बिल्कुल उसको इग्नोर ही करना है बट थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग और ये ताइवान uh, जैसे मार्केट में अगर आप देखोगे 300 परसेंट का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो क्या दर्शाता है कि वहां पे छोटी सी छोटी कंपनीज भी लिस्ट हो रही है एंड पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेसेस दे टू दोन दो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन ऑफ अ वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट सो वही चीज अब इंडिया में भी हो सकती है आने वाले समय में एंड वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर दीज थिंग्स तो दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट इन्वेस्ट डॉट इन एंड तीन लाख सब्सक्राइबर्स जो क्रॉस हुए हैं इसके लिए थैंक यू यू प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है चालीस परसेंट का डिस्काउंट आपको हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज पर मिलेगा रेडीमेड है यू विच यू कैन गो एंड इंप्लीमेंट एंड वहां पे क्वार्टरली uh, बेसिस पे अपडेट भी आएगा कुछ चेंजेस अगर रिक्वायर्ड होंगे तो वो भी हम बताते हैं या फिर एलोकेशन के रिबैलेंसिंग कुछ हम वहां पे सजेस्ट करते ही रहते हैं सो so, आप लोगों को काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है तो प्लीज विजिट इन्वेस्ट यूज प्रोमो कोड थैंक यू एंड गेट फोर्टी प्लस डिस्काउंट तीन साल के सब्सक्रिप्शन पे पचास से साठ परसेंट भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल पर बने रही वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद